हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद मी। मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है तो प्लीज इग्नोर दैट। सो आज का वीडियो ना मैं बहुत एक अच्छी चीज़ों से स्टार्ट करने वाली हूँ। सो आपको जैसे पता है मेरा स्किन जो है ना बहुत ही एक्नी और पिंपल प्रोन है। हर वक्त मुझे एक ही शिकायत रहती है कि देखो पिम्पल्स आ गए हैं, पिम्पल्स आ गए हैं। सो पर क्या आप नोटिस कर रहे हैं, बहुत दिनों से मेरे फेस पे एक भी पिम्पल्स नहीं है और सारे जो पिम्पल्स कर थे वो धीरे धीरे करके बहुत कम हो गया है। तो जो लोग नोटिस कर रहे हैं वो लोग मुझे बहुत मैसेजेस और कमेंट करते हैं कि मैं क्या लगाती हूँ कि जिससे मेरी पिंपल्स और नहीं आ रहे हैं और मास पिंपल्स स्कर्स भी बहुत हद तक कम हो गया है। तो मैं दो चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक उसके वजह से ये हो रहा है, तो इसीलिए मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। पहले एक तो मैं आपको दिखा दूँ, मैं ये पर्पल का 24 गोल्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ख़त्म भी हो गया है काफ़ी हद तक। तो ये जो गोल्ड ऑयल है ना, मैं क्या करती हूँ एवरी डे रात को फेस वॉश से पहले फेस को क्लीन करती हूँ। उसके बाद ऐसे इसके अंदर ड्रॉपर रहता है, ऐसे हाथों पे मैं 2 से 3 ड्रॉप ऐसे ऑयल लेके थोड़ा सा वार्म अप करती हूँ हाथों से अपने, फिर ऐसे ऐसे करके मैं पूरे फेस में इसको अप्लाई करती हूँ। और ये जो ऑयल है ना बहुत अच्छे से वर्क करता है। और एक ऑयल है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये गुड वाइब्स का है और ये एवोकाडो टी ट्री नरिशिंग स्किन प्यूरिफाइंग ऑयल है। जैसे आपको पता रहेगा शायद, टी ट्री ना बहुत एक अच्छा इंग्रेडिएंट्स होता है स्किन के लिए। सो मुझे लगा था कि टी ट्री है तो शायद मेरे पिंपल्स स्कार्स बहुत हद तक कम होगा, इसी हिसाब से मैंने इसको ऑर्डर किया था। और सच्ची में इतना अच्छे से ये वर्क कर गया। पहले तो मुझे लगा था कि ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट शायद मेरे लिए सूट नहीं करेगा क्योंकि एक्नी प्रोन स्किन में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है, पर मैं गलत थी। ये दोनों के दोनों ही जो ऑयल मैं यूज़ करती हूँ एवरी ऑल्टरनेटिव डे करके मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। इसका भी सेम है, आप इसको ओपन करो और ड्रॉपर रहता है, आप ड्रॉपर से 2 या 3 ड्रॉप ऐसे ले लो और अपने फेस को पहले वॉश कर लो, क्योंकि अगर आप फेस को वॉश नहीं करोगे ना इसका खुशबू ना एकदम माइंड ब्लोइंग है। तो फिर आप ऐसे अच्छे से इसको अप्लाई कर लो अपने फेस पे। तो अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप थोड़ा सा मसाज कर लो, उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है। इस ऑयल की खासियत क्या है मैं आपको बता दूं, ये क्या करता है बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ना क्लीन करता है। तो स्किन जो है ना बहुत अच्छे से प्यूरिफाई होता है, उससे क्या होता है कि आपका स्किन जो है ना बहुत स्मूथ हो जाता है और एक नरिशमेंट आता है। इससे एक्नी का प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है, क्योंकि एक्नी आते ही उसी लिए क्योंकि स्किन में ज़्यादा अगर डस्ट रह जाता है ना उसकी वजह से एक्नी ज़्यादातर आते हैं। तो इसीलिए ये दोनों जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरे लिए तो एकदम बहुत अच्छे से काम कर गया है। आपको अगर लेना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और 10% डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप लेना चाहते हो तो अभी ले लो तो डिस्काउंट में आपका हो जाएगा। लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। और एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, दो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ जो है ना वो ओनली नॉट फॉर एक्नी। ये ऐसा क्या है कि अभी ना विंटर की सीजन चल रहा है ना, तो इसी सीजन में क्या होता है कि बहुत सारे शादी ओकेशन ये सब चलता है। तो ये ओकेशंस में क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करे, लोग आके हमको नोटिस करें, तो उसी में ना आप घर पे फेशियल कर सकते हो। जैसे आपको पता रहेगा शायद, मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ उतना, मतलब पार्लर वगैरह, और इधर पे आसपास में उतना अच्छा पार्लर है भी नहीं और बहुत महंगी होती है, तो घर पे फेशियल किट मैं यूज़ करती हूँ, उससे भी ना बहुत अच्छे से मेरे पिंपल्स स्कर्स जा रहे हैं। सो ये जो फेशियल किट है ये गुड वाइब्स का है और स्किन इल्यूमिनेटिंग फेशियल किट है, और मेरा सबसे फेवरेट है पर्ल, और गोल्ड और सिल्वर भी मैंने ऑर्डर किया है। गोल्ड और सिल्वर भी काफ़ी अच्छा है पर मेरा फेवरेट पर्ल है। इसका मैं बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है मैं आपको दिखाती हूँ। सो पहले तो पीछे पूरा इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है। पहले क्लीन करना है, उसके बाद स्क्रब करना है, उसके बाद मसाज क्रीम है और उसके बाद फेस पैक है। सो एक 1, 2, 3, 4 करके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करके सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी होती है ये देखने में कि किस तरह से आपको करना है। फॉर स्टेप 1 आपको क्लीन करना है अपने फेस को अच्छे से। स्टेप नंबर 2 ये एक स्क्रबर है। स्टेप नंबर 3 एक मसाज क्रीम है।
हमें अच्छे से मसाज करना है इस क्रीम को 5 से 10 मिनट तक। स्टेप नंबर 4 में है एक फेस पैक। और इस पैक को लगा के आपको 20 मिनट तक वेट करना है बस। और बस 30 मिनट्स के अंदर ना आपका स्किन एकदम चकाचक बन जाता है, बहुत ही ग्लो करने लगता है। और देखो, एक बार मैंने यूज किया, मैंने अभी पानी से मुंह क्लीन करके आई हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे फेस में। कितने सारे मेरे फेस पे एक्ने स्कार्स था और कितना कम होने लगा है, आप देखो। एक ही बार फेशियल करने के बाद कितना ज्यादा इफेक्ट आता है, एकदम बेबी सॉफ्ट बन जाता है स्किन, देखो। और नेक्स्ट डे को ना ग्लो बहुत अच्छे से आता है। अभी अभी फेशियल करने के तुरंत बाद आपको ग्लो नहीं आता है, पर देखो एक रेडिएंट स्किन आपको नजर आ रहा है क्या? स्किन का कॉम्प्लेक्शन बहुत ब्राइट हो जाता है, रेडिएंट हो जाता है। इसीलिए ना मुझे ये फेशियल किट बहुत पसंद है। ये प्रोडक्ट ना क्यूटिकल फ्री है और इसमें बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहता है, इसीलिए क्या होता है कि आपकी स्किन ना अच्छे से क्लीन होता है, अच्छे से एक्सफोलिएट होता है, डेड स्किन सारे हट जाते हैं, स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाता है, आप देख सकते हो ना कितना रेडिएंट हो गया है मेरा स्किन एक ही बार यूज करने के बाद से। और आप सोचो ना, इतनी कम प्राइस में यार आप 4 से 5 बार फेशियल कर सकते हो, वो भी घर पे उतना ही इजी टेक्निक से, और पार्टी के लिए एकदम प्रॉपर रेडी हो सकते हो। सो अगर आपको भी मन हो रहा है ना, तो जल्दी से ऑर्डर कर लो। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, GET गेट कैप्स में 100 ये कूपन कोड है, इसमें 3% डिस्काउंट मिलता है अलग से। और पर्पल में तो आपको पता ही है बहुत सारे डिस्काउंट चलते रहते हैं, अभी भी डिस्काउंट चल रहा है। तो जब भी डिस्काउंट चलता है ना, उसी टाइम पे मैं आपको ये सारे चीजें शो करती हूँ, ताकि उस टाइम पे आप ले सको और भी डिस्काउंट पे। जैसे आप देखो मेरे ऊपर कितना अच्छे से ये वर्क करता है, आई एम श्योर आपके ऊपर भी करेगा। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, मैं बता देती हूँ, फिर भी लोग मुझे कमेंट करके बताते कि प्रोडक्ट का नाम बताओ दीदी, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, प्लीज एक बार चेक कर लो। आप एक मॉइस्चराइजर यूज कर लीजिए कोई भी, क्योंकि पैक लगाने के बाद क्या होता है कि स्किन ना कुछ देर बाद थोड़ा सा ड्राई फील करता है, स्पेशली विंटर के सीजन में। बस आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ग्लो आने लगा है, पर प्रॉपर ग्लो ना आपको नेक्स्ट डे को आता है। तो अगर आपका कोई शादी ओकेशन पार्टी जिस दिन है, उसके एक दिन पहले आप इसको यूज कीजिए, उससे जो है ना ग्लो बहुत ज्यादा निखर के आता है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, हम लोग जो मसाज करते हैं ना, उससे जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो ज्यादा करके होता है, तो उससे क्या होता है कि आपका स्किन और भी अच्छे से ग्लो करता है। अगर आप कोई अच्छे प्रोडक्ट के साथ जो है ना आपके स्किन में मसाज करते हो, पैक लगाते हो, स्किन को अच्छे से क्लीन करना उससे पहले इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि वो सारी चीजें अच्छे से आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। सो बेसिक सा ये 4 स्टेप रहता है, क्लींजिंग, स्क्रबिंग, उसके बाद मसाज एंड पैक, उसके बाद एक मॉइस्चराइजर लगा लो और बस सो जाओ। और मैं भी सो जाती हूँ, नेक्स्ट डे को मिलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स वेट करते रहते हैं मेरे यूनिक रेसिपीज के लिए। कल ना मैं तो बहुत अच्छा फिश रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं। टेंटनारा, मैं
आ गई हूँ मेरी फेवरेट जगह किचन पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं दो फिश रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। लास्ट वीक को क्या हुआ था, हम लोग गए थे जेएनटीयू, और जेएनटीयू फिश मार्केट के ऊपर भी मेरा एक व्लॉग है, आप देख सकते हो। उधर पे ना बहुत वेरिएशन में मिलता है, बहुत सारा फिश मिलता है। स्पेशली हम बंगाल में ना बहुत सारा वेरिएशन रहता है फिश का, क्योंकि जैसे आपको पता है बंगालीज लोग फिश ज्यादा खाते हैं, तो इसीलिए इधर पे उतना नहीं मिलता है। तो बीच बीच में हम जेएनटीयू चले जाते हैं, तो जेएनटीयू से मैं 5 या 6 टाइप्स ऑफ फिश लेके आई थी। उसमें से दो आज बनाऊंगी, एक बेले माछ। बेले एक छोटा छोटा फिश होता है, बहुत तरीके से उसको आप बना सकते हैं, पर मैं एक जिस तरह से घर पे बनाया जाता है उस तरह से बना रही हूँ। और एक बनाऊंगी पॉम्फ्रेट गोआन मसाला। ये जो है ना थोड़ा सा गोआन, मतलब गोवा की स्टाइल में बनाने की कोशिश करूंगी। ये एकदम डिफरेंट है, नॉर्मल हमारे जो ग्रेवी बनता है उससे एकदम डिफरेंट। इस ग्रेवी में आप चिकन और तो फिर अंडा भी बना सकते हो, सो ग्रेवी इज वेरी इंपॉर्टेंट इसका। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बैक टू बैक बेले फिश और पॉम्फ्रेट। सो दिस इज कॉल्ड बेले माछ। ये छोटा साइज में भी मिलता है, बड़े साइज में भी मिलता है, और ये माछ जो है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा मतलब टूट जाता है फ्राई करने के टाइम पे, तो इसीलिए मैं एक नॉन स्टिक पैन में इसको फ्राई कर रही हूँ। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में अगर आप फिश को फ्राई करते हैं ना, स्पेशली जो फिश बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब टूटने का चांसेस नहीं रहता है। देखिए अच्छे से उठ रहा है, चिपक नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। सारे फिशेज को मैंने पहले फ्राई कर लेना है अच्छे से। फिश मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, तो इसका मैं मसाला बना लेती हूँ, और देखो कितना ऑयल छिटकता है। सो प्लीज इग्नोर, मुझे दोनों फिश बनानी है, उसके बाद मैं क्लीन करूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है एक टमाटर मीडियम साइज का, 5-6 लहसुन की कलियाँ, बहुत ही बेसिक का जैसे होता है ना वैसे ही, एक छोटा इंच अदरक का, और मैं डालूंगी एक मीडियम साइज का प्याज अनियन, इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी। सारा फिश मेरा फ्राई हो चुका है, तो बचे ऑयल में मैंने डाला है थोड़ा सा कलौंजी, आप देख सकते हो। हम तो सॉरी मैं भूल गई थी शूट करना, थोड़ा सा कलौंजी डालते ही मैंने आलू डाल दिया है। आलू बहुत ही थिन स्लाइसेस में है, आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। आलू मेरा फ्राई हो चुका है, तो इसके अंदर मैं मसाला डाल देती हूँ जो मैंने अभी पेस्ट किया है। इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च भी डालना है बाद में। मसाला मेरा कुक हो गया है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, ताकि मैं जब सूखे मसाले डालूं वो जल ना जाए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिश में ना ऑलरेडी हल्दी पाउडर रहता है। मैंने हल्दी और नमक लगा के मैरिनेट करके रखती हूँ धोने के बाद। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला, ज्यादा नहीं डाला। ये थोड़ा सा मैं पतला बनाऊंगी, उतना ज्यादा स्पाइसी नहीं। इसका भी थोड़ा सा कुक होने दूंगी। मसाला एकदम रेडी हो चुका है, तो इसके अंदर मैं नमक डाल देती हूँ। थोड़ा सा कम हो गया था, तो इसीलिए और एक बार डाल दिया। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी। ये थोड़ा सा ग्रेवी में बनाऊंगी, तो पानी थोड़ा सा उबल जाए उसके बाद मैं फिश डाल दूंगी इसके अंदर। अच्छे से उबाल आ गया है, तो मैं सारे फिश डाल दूंगी अभी। सॉरी भेपर आ रहा है, 1 सेकंड में भेपर चला भी जाता है। इट्स रेडी, बस इसको मैं एंड में थोड़ा सा धनिया पत्ता डालूंगी और हो जाएगा। बस इस तरह से इसको 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक थोड़ा सा आप उबाल लीजिए, ज्यादा मत करो क्योंकि फिश बहुत सॉफ्ट है, मतलब टूट सकता है। इट्स रेडी। तो पहले मैं ले रही हूँ करीब 1 टीस्पून करीब लेमन जूस। लेमन जूस इसमें डालना जरूरी है, नहीं तो इसमें एक अलग सा स्मेल रहता है इसका, वो बहुत ही अजीब लगता है। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 पिंच लाल मिर्च का पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर, और डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, और इन सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। और सारे जो फिश है पॉम्फ्रेट, इसको मैं इससे मैरिनेट करके रखूंगी। ये पॉम्फ्रेट फिश मैं ऑलरेडी धो के रखा था। इसमें लेमन डालना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समुंदर का फिश, मतलब
खारे पानी का फिश होता है ना, तो इसीलिए इसमें एक अलग सा स्मेल होता है, इसीलिए इसमें लेमन डालना बहुत जरूरी है। और इस तरह से इसको मैं मैरिनेट करके कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आज मेरा बाल ही नहीं सूख रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, नीचे जाके सुखाना पड़ेगा। देखो स्किन कितना क्रिस्टल क्लियर लग रहा है ना, इसीलिए मुझे ये फेशियल करना बहुत पसंद है। और इतना कम प्राइस में, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना पोम्फ्रेट फिश जो है ना, वो पोम्फ्रेट फिश का जो साइज़ है एक्चुअली बहुत बड़ा साइज़ का भी होता है, छोटा साइज़ का भी होता है। तो मुझे ना जनरली छोटे साइज़ का फिश ज़्यादा पसंद है, उसका रीज़न एक है बता दूँ आपको। छोटे साइज़ का जो फिश होता है ना, उसमें ज़्यादा आपको अच्छे से जो है न्यूट्रिशन वैल्यू उसका अच्छा रहता है। बड़ा वाला जो फिश होता है ना, वो टेस्ट में भी मुझे पसंद नहीं है और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू उतना नहीं रहता है। तो मैं जनरली मेरे घर पे ना मम्मी बहुत तरह की बहुत सारे छोटे छोटे फिश का अलग अलग करी बना दी थी, हम लोग कौशा बोलते थे, एकदम सूखा सूखा, पर इधर पे जो उतना वैरायटी तो नहीं मिलता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपने हिसाब से। चलो मैं इसका ग्रेवी बना देती हूँ। नॉन स्टिक कुकर में अगर आप फिश को फ्राई करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से बहुत कम ऑयल में फ्राई हो जाता है। तो पोम्फ्रेट बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया मैरिनेट करके रखा था, इसको मैं पहले फ्राई करूंगी, बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई हो जाएगा। सो पोम्फ्रेट इधर मेरा फ्राई हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है। तो इधर पे मैं आपको दिखा देती हूँ पोम्फ्रेट के लिए मसाले के लिए, ये गोवान पोम्फ्रेट मसाले के लिए मैंने लिया है धनिया पत्ता, कुछ लहसुन, इतना सा मैंने इमली लिया है थोड़ा सा ही, और एक अनियन, और यहाँ पे मैंने 7-8 हरी मिर्च, सॉरी सूखी लाल मिर्च को गर्म पानी में थोड़ा सा 10 मिनट के लिए डिप करके रखा है। और इन सारे चीज़ों को मैं मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। सो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, फिश तो फ्राई हो गया है, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और जो मसाला मैंने अभी भी बनाया उसको मैं डाल दूँगी। तो मसाला मेरा कुक हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा हल्का सा ही हमें कुक करना है इसको। मसाले में मैं थोड़ा सा डाल दूंगी धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, एकदम हाफ चम्मच से भी कम, और थोड़ा सा मैं डालूंगी हाफ चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। और इसका टेस्ट ना एकदम नॉर्मल रेगुलर जो फिश होता है उससे बहुत डिफरेंट होता है। और बाहर खेल रहे हैं बच्चे, आई एम सो सॉरी। सो मसाला एकदम कुक हो गया है, तो इस टाइम पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि फिश जो है ना वो पानी में, मतलब ग्रेवी में डालने पे ग्रेवी थोड़ा सा मतलब सूख जाता है, तो थोड़ा सा पानी डालूंगी इसीलिए। और डाल दूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक, अभी इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए मैं फिश डालूंगी। सो अभी मैं डाल दूंगी फिश को, क्योंकि ग्रेवी में उबाल आ चुका है। वाह सुंदर लग रहा है, ये थोड़ा सा आप ग्रेवी में भी खा सकते हैं, और एकदम सूखा करके मसाला, मतलब एकदम सूखे सूखे भी खा सकते हैं, ऐसा स्टार्टर खा सकते हैं, पर हम राइस के साथ खाते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ग्रेवी पसंद है, क्या करें, इग्नोर दिस। सो इट्स रेडी, हमारा दोनों फिश करी एक्चुअली रेडी हो चुका है। ये है बेले फिश और ये है पोम्फ्रेट, ये गोवान पोम्फ्रेट मसाला है, बहुत टेस्टी होता है, एक बार ट्राई करना आप। गोवान फिश करी जो है ना बहुत फेमस होता है। नीचे आ गई हूँ धूप लेने, हाँ मैं जादू हूँ, धूप लेने आती हूँ। क्या हो रहा है कि आजकल ना एकदम मेरी बाल ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम लगाता है सूखने में, तो अनिर्बन काफ़ी बार बोल चुके हैं कि ड्रायर ले लो, ड्रायर ले लो। एक्चुअली ड्रायर ना मेरे पास है, पर वो कोलकाता में है, इसीलिए मैं नहीं ले रही हूँ, कोलकाता जाके लेके आऊँगी, नहीं तो दो दो हो जाएगा ना, पर क्या करूँ, इसीलिए नहीं, इसी चक्कर में मुझे ठंड लग जाती है इतना ज़्यादा, बाल इतना टाइम लेके सूखते हैं ना। तो शाम में क्या करती हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ा सा धूप लेने नीचे आ जाती हूँ, इधर पे बहुत अच्छे से धूप रहता है। आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप बाहर रहते हो ना, तो अगर आप बंगाली हो तो लोग आपके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बोलते हैं, जैसे लाइक हमें ऐसे बोलते हैं कि अरे तुम लोग तो बहुत फिश खाते हो, लाल बिंदी लगाते हो और डांसिंग या तो सिंगिंग करते हो। तो दो चीज़ सही है, हम लोग जो है ना हर एक बंगाली कुछ ना कुछ डांसिंग या सिंगिंग ऑलमोस्ट सीखते ही है, और हाँ फिश तो हम लोग ज़्यादा ही खाते हैं कुछ,
लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग सब्जी में भी फिश खाते हैं, पर ऐसा नहीं है, फिश में ही फिश खाते हैं, सब्जी अलग से ही बनाते हैं। और लाल बिंदी ना हम नहीं लगाते हैं, वो मतलब हम लगाते हैं साड़ी पहनते हैं कभी कभी तब लगाते हैं, पर मौसी मम्मी चाची दादी ये लोग अभी भी लगाते हैं। सो ये डिफरेंस रहता है, पर लोग जो ये समझते हैं ना हमारे बारे में कि बंगालीज लोग अच्छा गाना गाते हैं, डांस अच्छा गाना गाते हैं, डांस करते हैं, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस, मेरा गला थोड़ा सा ठीक हो जाए उसके बाद अच्छे से मैं व्लॉग करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।